चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। एन आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस 27 सेंटीमीटर, एक आयरन लोहे का गोला है ऑफ रेडियस 27 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है 27 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर ऑफ लेंथ 729 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया गया, वायर बना दिया गया और उस वायर की, उस तार की जो लंबाई है वो 729 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ वायर। देखिए एक कोई बड़ा सा गोला था, उसको पिघलाकर जो भी मेटेरियल निकला, जो भी मटेरियल प्राप्त हुआ उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ढाल दिया गया, किसमें, एक वायर में। वायर का मतलब होता है सिलेंडर से कोई भी वायर, जैसे ये वायर है, वायर ऐसे तो होता है इस तरीके से आगे, तो बस ये थोड़ा मोटा है, वायर थोड़ा पतला होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो क्या होता है, वो तो बेलनाकार ही होता है, बेलन के आकार का ही तो होता है। तो चले देखिए, जब इस गोले को हम आयरन के स्फीयर को, आयरन के गोले को जिसकी रेडियस कितना है बच्चों 27 सेंटीमीटर, इसको जब पिघलाएंगे तो कितना मटेरियल निकलेगा, जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयतन कितना होगा, और इसी को पूरा कन्वर्ट कर दिया गया वायर में, तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम वायर के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। और हमसे पूछा गया रेडियस ऑफ वायर, तो लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ वायर, जो वायर बन रहा है, रेडियस ऑफ वायर जो वायर बन रहा है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल आर ले लो, है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर का मतलब क्या है, सिलेंडर से, वायर का मतलब क्या है, सिलेंडर, क्योंकि वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंडर, बेलनाकार। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन बच्चों क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर इसकी रेडियस क्या है बच्चों, 27 सेंटीमीटर, तो 27 इंटू 27 इक्वल वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है तो आर स्क्वायर, और एच इसकी हाइट क्या है, वो 729। एक चीज़ और समझ लो बच्चों कि जो हाइट होती है वही लेंथ बोली जाती है, लेंथ और हाइट एक ही चीज़ होती है। जैसे ये है, इसको सीधा खड़ा कर दिया तो ये क्या बन गया, इसकी हाइट बन गई, और इसको ऐसे कर दो तो यही इसकी क्या बन गई, लंबाई है ऐसे। तो लेंथ और हाइट का मतलब सेम होता है, लेंथ बोला जाए या हाइट बोला जाए इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो लेंथ या हाइट का मतलब वही होता है, तो जैसे उसने बोला है लेंथ जो वायर की है वो 729 सेंटीमीटर, इस तरीके से वायर को रखा गया, तो 729 इसको अगर इसे सीधा कर दोगे तो वही क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो हाइट और जो लेंथ है वो दोनों चीज़ें बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या लिखा गया है 729, जबकि वहाँ पे क्या लिखा है लेंथ। तो इससे बिल्कुल परेशान मत होना, लेंथ और हाइट बच्चों दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, सेम। फिर से समझ लो, अगर किसी चीज़ को हम ऐसे कर देते हैं, है तो वही चीज़, सीधा खड़ा कर दिया, ऐसे बोल दिया तो ये हाइट हो गई, और ऐसे कर दो तो ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, है ना। तो लंबाई और हाइट दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो बच्चों पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, और ये क्या है, ये 27 को 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 3 जा, और 9 से डिवाइड किया तो 81 आ जाएगा, फिर 9 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 3, 9 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9, फिर 9 से डिवाइड कर दिया तो 3, और ये 1 आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल क्या हो रहा है, आर स्क्वायर। अब एक या 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 इक्वल क्या हो आ रहा है, आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो हमारा वायर बन रहा है, इसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, वो क्या होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, देख लो हमने बस केवल क्या किया है, हमने ये लेट कर लिया कि रेडियस ऑफ वायर, जो वायर हम बना रहे हैं, वायर की रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर है ना। और वायर का शेप हमेशा क्या होता है, हमेशा किसी भी वायर का शेप जो होता है वो बेलनाकार होता है, बेलन के आकार, बस उसकी
जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। एक से एक पतले वायर होते हैं, एक से मोटे भी वायर होते हैं। आप केबल वाला वायर देखें जो बड़ी हाई टेंशन लाइन की जो केबल्स में पड़ता है, उसमें वायर बहुत मोटा होता है, लेकिन घर में जो वायरिंग के लिए हम लोग वायर लाते हैं उसमें जो अंदर वायर होता है वो काफ़ी पतला होता है। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोटाई क्या है, पतलाई क्या है, पतला कितना है या बहुत पतला है या बहुत ज़्यादा मोटा, इससे कोई मतलब नहीं। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि किसी भी जो वायर का शेप है वो क्या होगा, बेलनाकार होगा, है ना। तो देखिए, जब हमने उस स्फीयर को पिघलाया होगा, उस गोले को पिघलाया होगा, तो जितना भी मेटेरियल निकला उस पूरे मेटेरियल को हमने ढाल दिया है एक वायर में। तो जाहिर सी बात है इस गोले का जितना भी मेटेरियल होगा वही मेटेरियल कहाँ पर आ चुका है, वायर में पूरा का पूरा, है ना। तो गोले का जो आयतन होगा वही आयतन होगा किसका, बेल, गोले का आयतन होगा बराबर किसके, बेलन के आयतन के। तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, ये साफ साफ लिखा भी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर ब्रैकेट में लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आप बोल सकते हैं क्योंकि वायर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर से। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस क्या थी, 27, तो 27 × 27 × 27 इक्वल पाई, इसकी रेडियस हमने क्या कंसीडर करी, आर, तो आर स्क्वायर इंटू 729। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया गया तो बच्चों ये क्या आ गया, आर इक्वल 6 सेंटीमीटर। मीन्स इस प्रकार जो वायर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं कि बच्चों बस हमें 3D में यही समस्या होती है कि हमें चीज़ें समझनी बहुत पड़ती, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं बताई जाएंगी। जैसे जब उसने बता दिया कि एक इसको गोले को पिघला कर एक बेलन वो सॉरी वायर में बना दिया गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वायर का जो शेप है, वायर को हम क्या, क्योंकि जब मेंसुरेशन का डिस्कशन होता है तो वहाँ वायर को लेकर तो कोई फार्मूला बना नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वायर एग्जैक्टली होता है क्या है, वायर क्या होता है एग्जैक्टली, सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी पात्र में कितना भी कितना पानी भरा जा सकता है, जितना उसका वॉल्यूम होगा। अब ये कहीं लिखा थोड़े ना, आप खुद समझिए कि उस पात्र का जितना भी आयतन होगा उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, अगर वो पूरी तरीके से भरा है तो जितना उस पात्र की कैपेसिटी होगी जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं उतना ही उसमें लिक्विड या पानी जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर जिस भी पात्र में भरा जाता है उसी की शक्ल को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसी के शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। अब हर चीज़ के शेप, अलग अलग शेप के फार्मूले तो हमारे पास है नहीं, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा 3D में ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आप लोग तो सर बहुत अच्छा समझते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम था बताना, हमने बता दिया है तो और भी चीज़ें बढ़िया हो गई होंगी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए और आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट्स, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, ये मानकर चल रहे हैं, अज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये मानकर चल रहे हैं कि जो पानी की एक बूंद है, पानी की जो बूंद है वो कैसी है, स्फेरिकल, गोल है, गोलाकार है। एंड इट्स डायमीटर, और इसका जो व्यास है इज 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर का 1/10 भाग है, 1/10 है, 1 सेंटीमीटर का जो भी 1/10 बनता है वही इसका क्या है, व्यास है। क्लियर। अ कोनिकल ग्लास, एक शंकुआकार ग्लास है, हैज ए हाइट, और जिसकी ऊंचाई इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम, और एक शंकुआकार ग्लास है जिसकी जो हाइट है वो कह रहा है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम, इसके व्यास के आधार का जो व्यास है, शंकु के आधार का जो व्यास है उसके बराबर है, ठीक है ना। इफ 32,000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल द ग्लास कंप्लीटली, यदि 32,000 बूंदों से ये ग्लास पूरी तरीके से भर जाता है, तो कह रहे हैं हाइट ऑफ द ग्लास, तो ग्लास की हाइट क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। जैसे कि उसने शुरू में बता ही दिया है कि जो हमारी ड्रॉप है, ड्रॉप को ये एज्यूम करके चलना है, ये मान कर चलना है कि जो ड्रॉप है वो उसका शेप कैसा है, गोलाकार है ना। और दूसरी चीज़ उसने क्या बताई कि इस जो एक ड्रॉप का जो डायमीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का 1/10 भाग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के।
तो देखिए 1 सेंटीमीटर जो डायमीटर है बच्चों, डायमीटर ऑफ ड्रॉप जो पानी की बूंद है उसका ड्रॉप और डायमीटर ऑफ ड्रॉप कितना दिया, 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अगर डायमीटर 1/10 सेंटीमीटर है तो बच्चों बताओ इसकी रेडियस, देन रेडियस ऑफ ड्रॉप क्या बनेगा, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। 1/10 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1/20 तो आएगा। मींस ये जो जो हमारी बूंद है, ड्रॉप है, इसका रेडियस कितना है, 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो गोले का आयतन मतलब एक बूंद का हमें, एक ड्रॉप का हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक बूंद का वॉल्यूम क्या होगा, देन वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। हर बूंद का जो आयतन होगा वो कितना होगा, गोला है, सेब गोल है, गोलाकार है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। πr³ मतलब इसकी रेडियस कितना है, 1/20 × 1/20 × 1/20। क्लियर है ना बच्चों। एक बूंद का जो आयतन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/3π × 1/20 × 1/20 × 1/20। और इस जैसी कितनी बूंदों को मिलाया गया है, 32,000 बूंदों को जब मिलाया गया है तब वो कोनिकल ग्लास, शंकु के आकार का ग्लास भरा है। मतलब उस शंकु का या शंकुआकार जो बर्तन था उसका आयतन कितना होगा, जितना इस 32,000 बूंदों का आयतन होगा। एक बूंद का आयतन हमें यह पता चल गया, देन वॉल्यूम ऑफ ऑल 32,000 ड्रॉप्स क्या होगा बच्चों, 32,000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/3π × 32,000 × 20 × 20 × 20 यही होगा ना बच्चों। अब 30 1 2 30 30 से ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 2 8 से बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 4 16 π / 3 cm³। ये तो आएगा, मींस ये जो सभी बूंदों का बूंदें कितनी थी, 32,000 ड्रॉप्स का जो टोटल वॉल्यूम बन रहा है वो कितना बन रहा है, 16π / 3 cm³। और ये बोला गया है कि 32,000 बूंदों से ये कोनिकल जो हमारा बर्तन है, शंकु के आकार का पात्र है, वो भर जाता है। इसका मतलब इस शंकु का जो आयतन होगा वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, इधर देख लेते हैं, शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h ये होता है। बट एक कंडीशन लगाई गई है कि जो इसकी हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हाइट है बच्चों वो क्या है, डायमीटर के इक्वल है। और डायमीटर क्या होता है, 2r, रेडियस का 2 times होता है, तो ये हो गया डायमीटर। डायमीटर इक्वल क्या है, h, हाइट के इक्वल है, ठीक है ना। तो जहां पर भी 2r है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, h या r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/2। तो उस समय इसका जो शंकु का आयतन बनेगा, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3 πr² मीन्स h/2² × h हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 1/3 πh² / 2² 4 × h मीन्स हो जाएगा 1/3 πh³ / 4।
ये तो होगा 1 बाई थ्री पाई एच स्क्वायर और इंटू एच कर दिया तो एच क्यूब अपॉन फोर। और ये चीज़ कितने की इक्वल होगी बच्चों, ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इतने के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर 32,000 ड्रॉप्स का जो टोटल वॉल्यूम बन रहा था इतना, और वही वॉल्यूम यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो शंकु का वॉल्यूम आ रहा है, और शंकु जो भरा गया है वो 32,000 बूंदों से भरा है, इसका मतलब 32,000 बूंदों का जो कुल आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे। देन 1/3 पाई एच क्यूब अपॉन फोर इक्वल क्या हो जाएगा 16π/3। बच्चों इस 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो एच क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा 16 × 4 = 64, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मीन्स उस शंख के आकार का जो हमारा ग्लास था उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने देखा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा था जो ड्रॉप है, ड्रॉप का जो डायमीटर है, व्यास है, वो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, 1/10 मतलब 1/10 है, मतलब जो व्यास है वो 1/10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होता है तो रेडियस हो जाएगी 1/20 बाई 1/2 × 1/10 करेंगे तो 1/20 तो आएगा। और जो जो ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब गोला, क्योंकि ये बताया गया कि ड्रॉप को आपको कैसा एज्यूम करना है, एज ए स्फेयर, और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या बनेगा, देन वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, इसकी रेडियस क्या है 1/20 × 1/20 × 1/20, 3 बार कर दिया। देन वॉल्यूम ऑफ ऑल 32,000 ड्रॉप, तो सभी 32,000 बूंदों का आयतन क्या होगा, 32,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा बच्चों 16π/3 cm³। तो सभी 32,000 बूंदों का आयतन इतना आ गया, और इन 32,000 बूंदों को मिला दें तो वो शंकु क्या हो जाता है, भर जाता है, इसका मतलब इन 32,000 बूंदों का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं शंकु के आयतन की, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h होता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन दी गई थी कि इसकी जो हाइट है शंकु की वो क्या है, इसके व्यास मतलब डायमीटर के बराबर है, और व्यास क्या होता है 2r, 2r = h, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी h/2, मतलब जहां पर r लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं h/2। देन वॉल्यूम ऑफ कोन, तब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr, ऐसे लिखा रहा, आर की जगह हमने क्या लिख दिया h/2 और इसका स्क्वायर था इंटू एच कर दिया, सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 1/3 πh² / 4 × h, मतलब 1/3 πh³ / 4 आ गया। तो ये आयतन आ गया शंकु का, इधर 32,000 बूंदों का आयतन इतना था, दोनों चीज़ें सेम हो गई क्योंकि इन्हीं 32,000 बूंदों का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के, तो दोनों चीज़ों को इक्वल कर दिया, तो 1/3 πh³ / 4 इक्वल हो जाएगा 16π/3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो इस तरीके से h³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 × 4 = 64, तो h की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं, और इसी रिदम को हम लोग आगे बनाए रखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने आते चले जाएंगे और उनको बढ़िया तरीके से सीखते हुए लगातार लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि अब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज स्क्वायर, एक लंब पिरामिड है जिसका जो आधार है वो वर्गाकार है, हुज एरिया इज 324 cm², मीन्स इसके आधार का जो एरिया है वो कितना है 324 वर्ग सेंटीमीटर है, इफ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1296 cm³, यदि इस पिरामिड का आयतन 1296 cm³ हो तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस, तो स्लैंट सरफेस इसकी जो तिरछी फलक है उसका एरिया क्या होगा, स्लैंट सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, पहले तो ये समझ लो राइट पिरामिड किस तरीके से बनाना है आपको, इसका स्क्वायर जो बेस है वो स्क्वायर है, इस तरीके से है बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से है, ये बेस हो गया इसका, ये
ये इस तरीके से पिरामिड है, ठीक है ना। ये ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी मीन्स इस पिरामिड का जो आधार है ये वर्गाकार है, फिर चारों फलक ऐसे ऊपर मिलाए गए हैं, और इस तरीके से ये इसकी हाइट हम लोग ले सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये इसकी हाइट है एच, ठीक है ना। और ये जो हाइट है, हाइट से हाइट जो है वो वर्ग है, वर्ग के सेंटर पे आएगा, और सेंटर का मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये साइड का क्या होगा, हाफ होगा, साइड का हाफ होगा, क्योंकि सेंटर से जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस इधर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन चुका है, पिरामिड। पिरामिड कैसे बना है समझ में आया, ये वर्गाकार इसका बेस था और चारों शीर्षों से इसको ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया गया, तो ये पिरामिड बन गया, ऐसा पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं पिरामिड का जो बच्चों आयतन होता है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एक और भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। चलिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का जो आयतन होता है बच्चों वो कितना होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस पिरामिड के आयतन का हमने फार्मूला लिखा, और आयतन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों कितना दिया है, 1296 सेंटीमीटर क्यूब, 1296 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1296 इक्वल 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, 324 इंटू हाइट, इंटू हाइट हो गया है ना। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 324 से अगर हम डिवाइड करें तो एग्जैक्टली ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, तो इससे हाइट की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 = 12, मीन्स इस पिरामिड की ये जो हाइट है ये बच्चों कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर हाइट आ रही है, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब बच्चों ये हाइट है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो हम बात करें, जो इसका एरिया दिया था 324, और इसका जो बेस था, देखो समझो, जो इसका बेस था पिरामिड का ये वर्गाकार था, और इसका एरिया कितना दिया है, 324, और वर्ग का जो एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, साइड स्क्वायर। इट मींस नाउ साइड स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, साइड स्क्वायर की वैल्यू दिया है 324, तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड की वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 18 सेंटीमीटर। मींस दैट मींस, दैट मींस द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड होगी, द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दो, इस वर्गाकार आधार मतलब वर्ग की जो साइड है ये क्या आ रही है, 18 सेंटीमीटर, ये 18 है तो ये भी 18 होगी, ये भी 18, ये भी 18। तो अभी ने बताया जो ये पॉइंट है ये सेंटर, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता है, तो ये चीज कितनी रही होगी, ये चीज आपकी रही होगी 9, ये चीज कितनी रही होगी 9, और ये हमको हाइट पता चल गई ये 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको इस तरीके से कर लें, ये भाई चारों तरफ से ऐसे झुकाव होता है, झुकाव जो पिरामिड बनाते हैं तो वो झुकाव ऐसे चारों तरफ से होता है, इधर से भी होगा दोनों तरफ से और इधर से भी होगा, तो ये चीज बच्चों हमारी कितनी है, हाइट कितनी है 12, और ये जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा 9, तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। देन स्लैंट हाइट बच्चों क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी ये अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, है ना। 12 स्क्वायर क्या है, ये हाइट 12 थी तो 12 का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है 9 का स्क्वायर, तो इससे हमारी ये स्लैंट हाइट आ जाएगी, इसकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, देन स्लैंट हाइट ये हो जाएगी बच्चों कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144, 12 का स्क्वायर 144 एंड 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 415 एंड 225, मीन्स
ये आ जाएगा स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारी, स्लैंट हाइट आ जाएगा रूट 225 लिखा मींस 15 सेंटीमीटर। तो हमें एक चीज ये भी पता चल गई कि इस राइट पिरामिड की, इस लंब शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी, तिरछी ऊंचाई है, वो कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। यहां तक निकालिए, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देन द एरिया ऑफ स्लैंट सर्फिस, देन तो एरिया ऑफ स्लैंट सर्फिस, नाउ एरिया ऑफ स्लैंट सर्फिस, नाउ एरिया ऑफ स्लैंट सर्फिस, स्लैंट सर्फिस जो पिरामिड के स्लैंट सर्फिस का एरिया होता है, ये क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। क्लियर है ना, तिरछी ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। देखिए इस वर्ग की हर भुजा क्या थी, 18, 18, 18, तो इसका पेरीमीटर बच्चों क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस तो वर्गाकार है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, यही होता है ना। और साइड हमें पता है कितनी है, 18 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 18 × 4, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस। और स्लैंट हाइट हम निकाल चुके, कितना आ रही है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, तो इंटू क्या कर दिया, 15। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 18 × 4 = 72 इंटू 15, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 36, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 × 6 = 90 मीन्स 0, 15 × 3 = 45 and 9 = 54 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड विल बी 540 cm². इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं क्वेश्चन, देखो बच्चों हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, एक पिरामिड ड्रॉ किया जिसका आधार वर्गाकार था, ABCD वर्गाकार आधार है, और इसके चारों शीर्षों से, चारों तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ झुकाव मिला दें तो ये ई पॉइंट पर मिलते हैं, और इस तरीके से हमारा ये बन जाता है पिरामिड, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पिरामिड का आयतन कितना दिया था, 1296 इक्वल 1/3, और एरिया ऑफ बेस, बेस का जो क्षेत्रफल था, आधार का क्षेत्रफल 324 दिया था, इनटू हाइट कर दिया। तो इसे सॉल्व किया, इससे एग्जैक्टली 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 12। मतलब हमें ये पता चल गया कि इस पिरामिड की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 12। अब बात करते हैं कि जो इसका वर्गाकार, जो वर्ग के आकार में आधार था, इसका क्षेत्रफल 324 दिया था, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब ये जो 324 है ये साइड स्क्वायर की वैल्यू है, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू 324 है, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, 18 सेंटीमीटर। मींस हमें ये पता चल गया कि इस पिरामिड का जो आधार था वर्गाकार, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर ये हाइट 12 है और ये भुजा 18 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, 9, और इसको सेट करेंगे इस तरीके से, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हालांकि यहाँ स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा पा रहे हैं, और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये हाइट है, ये बेस इसका 9 है, हाइट 12 है, तो स्लैंट हाइट हम कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 18 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर था। देन स्लैंट हाइट, तो तिरछी ऊंचाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और जब स्लैंट हाइट आ गई तो हमें बताना था, नाउ एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस, स्लैंट सरफेस का एरिया, तिरछे फलक का जो क्षेत्रफल है इस पिरामिड का, उसका एरिया कितना होगा, तो ये होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस कैसा था, वर्गाकार, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × साइड, तो 18 × 4, क्यों 18, इसकी साइड है, वर्ग की साइड क्या है, 18, तो 18 × 4, और स्लैंट हाइट कितनी आ रही थी, 15 हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू रखी और इस तरीके से इसको सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर आया बच्चों के तहत 540 cm². तो ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं बहुत बहुत बिंदास तरीके से आपने क्वेश्चन को सीखा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द डायमीटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ ए होलो स्फेरिकल सेल, एक खोखला गोला है जिसकी आंतरिक और बाह्य जो व्यास दिए गए हैं
मतलब अंदर अंदर उस गोले का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है, बाहर बाहर जो गोले का व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। इफ इट इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया है इनटू ए सॉलिड सिलेंडर, और इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक ठोस बेलन बनाया गया है ऑफ लेंथ जिसकी लंबाई क्या है 8/3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है देन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इस बेलन का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बच्चों ये खोखला गोला है, खोखला गोला का मतलब इस तरीके से है, इस तरीके से ये इसका सेंटर है। तो अगर इंटरनल रेडियस है, इंटरनल डायमीटर है बच्चों 6, इंटरनल डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, देन रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, है ना, ये चीज पता चल गई। आउटर डायमीटर क्या है, आउटर का डायमीटर जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस जब खोखले गोले को बच्चों पिघलाया जाएगा, जब इस खोखले गोले को हम पिघलाएंगे तो इससे कितना आयतन बाहर आएगा, कितना मटेरियल बाहर आएगा, मतलब कितना मटेरियल तैयार होगा, जितना इस खोखले गोले का आयतन होगा, है ना। तो अब बात आती कि खोखले गोले का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत बार ये चीज़ कर चुके हो कि खोखले गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, बाहर वाले गोले के आयतन में अंदर वाले गोले को के आयतन को अगर हम माइनस कर दें, बाहर वाले गोले के वॉल्यूम में अगर अंदर वाले गोले को हम माइनस कर दें तो इतने का आयतन आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो खोखले गोले का देन वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर खोखले गोले का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फेयर सही है। और बाहर वाले गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन बच्चों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी रेडियस क्या है बाहर वाले की 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब हो गया माइनस 4/3 पाई, बाहर अंदर वाले की रेडियस क्या है 3, तो 3 का क्यूब हो गया, 4/3 पाई पूरे में कॉमन हो गया बच्चों, तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27, मीन्स फाइनली ये आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 98, क्लियर। मीन्स इतना हमें क्या मिलेगा, इस खोखले गोले का आयतन आ गया, खोखले गोले का आयतन मतलब जब इसको पिघलाएंगे तो इतना मटेरियल हमको मिलेगा, और यही मटेरियल हमने कन्वर्ट कर दिया है किस में, एक सॉलिड सिलेंडर में, एक ठोस बेलन में। तो जाहिर सी बात है जितना मटेरियल आ रहा है इतना ही मटेरियल किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का, ठोस बेलन का। क्यों, क्योंकि एक चीज़ को पिघलाकर जब हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो दोनों के मटेरियल तो सेम होंगे, उतने ही मटेरियल से दूसरी चीज़, बस उसका केवल शेप बदल रहा है, मटेरियल में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये जो आयतन आ रहा है, इतना ही आयतन किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का। अब सॉलिड सिलेंडर की रेडियस हमें नहीं पता है, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज आर, देन तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, एच की वैल्यू क्या दिया है 8/3 सेंटीमीटर, 8/3 हो गया। तो ये आ गया इसका ठोस बेलन का आयतन, और यहाँ पर जो बेलन का आयतन आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है 4/3 पाई इंटू 98 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, मीन्स ये चीज़ इसके बराबर होगी, क्योंकि इसी को कन्वर्ट कर दिया ना बेलन में, इसी को जब अपने बेलन में कन्वर्ट कर दिया तो ये आयतन बिल्कुल इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर, देन पाई आर स्क्वायर
इंटू 8/3 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई इंटू 98, ये हो गया ना। तो बच्चों देखो पाई से ये पाई क्या हो गया कैंसिल, 3 से बच्चों ये क्या हो गया 3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड किया 2 और 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 49, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और रेडियस पता चल गई, देन डायमीटर हमसे पूछा गया, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा इसका रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो 2 × 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मींस वो जो सॉलिड सिलेंडर बनेगा उसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ से बता दे रहे हैं कि ये जो खोखला गोला था इसका बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर दिया था, आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर दिया था, मतलब बाहर बाहर इस गोले की रेडियस कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और अंदर वाले गोले की रेडियस क्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो खोखले गोले का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, खोखले गोले का आयतन निकालते हैं बाहर वाले गोले के आयतन में अंदर वाले गोले के आयतन को माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए देखो लिखा है बाहर वाले गोले का आयतन मतलब आउटर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम, बाहर वाले गोले का आयतन माइनस अंदर वाले गोले का आयतन कर देंगे तो खोखले गोले का हमें आयतन पता चल जाएगा। तो वही किया, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, और गोले का आयतन होता है कितना है 4/3 πr³, तो 4/3 πr³ मतलब बाहर वाले गोले की रेडियस है 5³ हो जाएगा, अंदर वाले की रेडियस है 3, तो ये 4/3 π³³ हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 π × 98 cm³। मीन्स इस खोखले गोले को जब हमने पिघलाया होगा तो हमको 4/3 π × 98 इतना मटेरियल टोटल मिला, इतना मटेरियल टोटल हमको प्राप्त हुआ। और इसी को हमने शक्ल दे दी किसकी, बेलन के, बेलन की शक्ल में मतलब बेलन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस बेलन का भी तो आयतन वही रहेगा क्योंकि मटेरियल तो वही है, उतना ही है। अब बात करते हैं, हमने रेडियस लेट कर ली कि जो सॉलिड सिलेंडर में जिसमें हमने कन्वर्ट किया है उसकी रेडियस क्या है आर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच इसकी दिया है, इसकी हाइट जो बेलन हम बना रहे हैं उसकी हाइट क्वेश्चन में दिया है, उसकी ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई ये कई चीज़ होती है, तो उसकी लंबाई क्या दिया है 8/3, मतलब ऊंचाई क्या दिया है 8/3, ये रख दिया। अब ये वॉल्यूम जो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा इसके, क्योंकि इतने ही मटेरियल से ये तैयार किया गया है तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे समान होंगे, आयतन क्या होंगे समान होंगे, और जब आयतन समान होंगे तो आयतन समान कर दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 8/3 इक्वल क्या हो गया 4/3 × π × 98, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये इस 8 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, अब 2 से इसको डिवाइड किया तो 49। मींस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 49, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7, और अगर आर की वैल्यू 7 आ रही है, रेडियस हमको पता चल गई है 7 सेंटीमीटर है, तो पूछा गया था हमसे इस बेलन का व्यास, तो व्यास क्या होता है बच्चों त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 × 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आप बताएं कैसा रहा क्वेश्चन, था ना अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो 2 बार 3 बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिससे कि देखिए एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, बस उनका डेटा हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट टाइप मोस्टली क्या होता है रिपीट होता है, तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें और स्मूथ होती चले जाएंगी, और आपके लिए बहुत बहुत स्कोरिंग सेक्शन बनने वाला है ये आपका मेंसुरेशन, जिस तरीके से यहाँ हम चीज़ों को डिटेल्ड प्रोसेस में लेकर चल रहे हैं, एक एक चीज़ यहाँ विधिवत आपके सामने हम रख रहे हैं, जिससे कि आपको जरा सा भी कहीं पे भी डाउट ना हो, बट प्रैक्टिस करना आपका काम है बच्चों, वो आप कर ही रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो प्लीज़ करने लगे, क्योंकि देखिए एक बार आपने चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख लिया, मानते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन अगर थोड़ा सा लापरवाही आपने कर दी, 4-6 दिन 10 दिन अगर नहीं देखा, उन चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, तो धीरे धीरे चीज़ें स्किप होने लगती हैं, तो प्लीज़ स्किप ना होने दें, जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक तो शांत नहीं बैठना, बिल्कुल अपने आप को जज्बाती होकर लगा देना है, बिल्कुल जिद्दी होकर लगना पड़ेगा कि नहीं हमें जिद है, एनी हाउ सेलेक्शन नथिंग एल्स,
तो बस इस तरीके की भावना, इस तरीके की फीलिंग के साथ जब आप काम करेंगे तो सफलता दौड़ के आपके पास आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।